त्रिपुरा सरकार ने अगरतला के जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर शैलेश कुमार यादव को आधिकारिक रूप से डीएम के पद से हटा दिया है। शैलेश यादव ने जांच कमेटी के समक्ष अपना बयान देने के बाद स्वयं पत्र लिखकर खुद को पद से मुक्त करने की बात कही थी, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है। वहीं इस मामले में कानून मंत्री रतन लाल नाथ ने बताया कि इस मामले में डीएम ने गलती मान ली है और शैलेश यादव को जिला मजिस्ट्रेट के अपने पद से मुक्त कर दिया गया है। उद्योग और वाणिज्य विभाग के निदेशक रावल हेमेंद्र कुमार को जिले का नया डीएम नियुक्त किया गया है। शैलेश यादव ने रविवार को मुख्य सचिव मनोज कुमार को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने खुद को अगरतला के डीएम के प्रभार से मुक्त करने का अनुरोध किया था। शैलेश यादव ने पत्र में लिखा था कि त्रिपुरा सरकार ने 26 अप्रैल 2021 की रात को हुई घटना की जाँच के लिए एक उच्च स्तरीय जाँच कमेटी का गठन किया है। निष्पक्ष जांच के लिए मैं खुद को पश्चिमी जिला के डीएम पद के प्रभार से मुक्त करने के लिए अनुरोध करता हूं। जानकारी हो कि 26 अप्रैल को पश्चिमी त्रिपुरा जिले के डीएम शैलेश कुमार यादव को एक मैरिज हॉल में घुसकर दूल्हे पंडित और शादी समारोह में शामिल होने वाले मेहमानों के साथ अभद्र व्यवहार करने का खामियाजा उठाना पड़ा है। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद से शैलेश कुमार यादव को पद से हटाने का दबाव सरकार पर बढ़ रहा था। डीएम शैलेश कुमार यादव की इस हरकत पर बीजेपी विधायक आशीष दास उन्हें हटाने की मांग को लेकर अगले ही दिन 27 अप्रैल को धरने पर बैठ गए थे। डीएम को पद से हटाए जाने के बाद अब आशीष दास ने इस पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा है कि शैलेश यादव ने अपनी गलती मान ली है, यह बेहतर है। बता दें कि राजनीतिक दबाव के बीच घटना के तुरंत बाद मुख्यमंत्री विप्लव देव ने मुख्य सचिव को इस घटना पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा था और इस मामले की जांच के लिए 2 IPS अधिकारियों की एक समिति गठित की गई थी। हालांकि शैलेश यादव ने घटना के बाद माफी भी मांग ली थी। उन्होंने समिति को बताया कि उन्होंने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए अपने कर्तव्य के अनुसार कानून व्यवस्था लागू की थी। जांच कमेटी में बैठक में अपना बयान दर्ज करवाने के बाद भी शैलेश यादव डटे हुए थे। हाल में ही 26 अप्रैल की शादी समारोह की घटना के बाद भी 29 अप्रैल को शैलेश यादव को त्रिपुरा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, त्रिपुरा जल बोर्ड और अगरतला स्मार्ट सिटी की जिम्मेदारी दी गई थी, जिससे यह उम्मीद की जा रही थी कि सरकार शैलेश यादव पर नरमी दिखाएगी। लेकिन अचानक 2 अप्रैल रविवार को डीएम शैलेश यादव ने राज्य के मुख्य सचिव मनोज कुमार को पत्र लिखकर खुद से अगरतला के डीएम के प्रभार से मुक्त करने का अनुरोध कर दिया, जिसे सरकार ने मानते हुए उन्हें डीएम के पद से हटा दिया है और अब जिले के नए डीएम उद्योग और वाणिज्य विभाग के निदेशक रावल हेमेंद्र कुमार को बनाया गया है। द स्टेट गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी टू इंक्वायर इनटू द इवेंट्स दैट ट्रांसपायर्ड ड्यूरिंग द इंसिडेंट ऑफ द नाइट कर्फ्यू वायलेशंस ऑन द नाइट ऑफ ऑन द मिडनाइट ऑफ 26th April 2021, where I was present during the violation and enforcement. So a committee has been constituted. The committee summoned me for giving evidence today. So today I came here at 3 p.m. and I have submitted my statement and other documents, some orders which were brought out by me, orders under the Asset Management Act and under Section 144, and also I was asked some questions which I have replied, and I am going to fully cooperate with the inquiry committee, and whatever other dates are fixed, other documents are asked for, that will be completely given from my side. So you have represented yourself in front of the committee. Do you Yes. So it is my duty to enforce the law orders, the orders which are there for preventing spread of COVID, and that's why I did that night, and I stand by whatever I did.